नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखें उत्तराखंड के जोशीमठ से। जोशीमठ में पूरी तरह से बैन हुआ सिंगल यूज प्लास्टिक। हिंदुस्तान की अंतिम नगर पालिका कहे जाने वाले जोशीमठ में पूरी तरह से प्रतिबंध हो चुका है सिंगल यूज प्लास्टिक। बता दें कि जोशीमठ मुख्य बाजार में किसी भी दुकानदार के पास सिंगल यूज प्लास्टिक नजर नहीं आ रही, जिस कारण जोशीमठ नगर वासियों में खुशी देखी गई। लगातार पालिका के अधिकारी लगभग सभी दुकानदारों के गोदामों में छापामार कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दुकानदार के पास से प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग बरामद नहीं हो पाया है। इस विषय पर पालिका के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि जोशीमठ नगर अब पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त हो चुका है। कहा कि यदि किसी भी दुकानदार के पास सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी वस्तु बरामद होती है तो उस दुकानदार को भारी जुर्माना देना होगा। लगातार नगर पालिका की टीम सभी दुकानदारों के गोदामों में छापेमारी कर रही है और अभी तक किसी भी दुकानदार के पास से प्लास्टिक के बैग, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसी वस्तु बरामद नहीं हो पाई है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं सभी जोशीमठ नगर के सभी दुकानदारों को बधाई देता हूं और कहा कि हमारे पर्यावरण मित्र लगातार जोशीमठ नगर को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। और क्या कहा आगे की रिपोर्ट नवीन सिंह के साथ। दिखाई तो नहीं दे रहा है, इधर मिल गया तो भाई सप्लाई चल रही है बहुत ज्यादा। प्लास्टिक का इस समय पूरे देश भर में मुहिम छेड़ी हुई है। जोशीमठ नगर पालिका परिषद यूं तो काफी सालों से लगातार इस पर कार्य करती रही है। इस समय क्या क्या उन्नतियां पे क्या क्या देखने को मिल रहा है, लोग कितना इसका पालन कर रहे हैं? नगर पालिका परिषद जोशीमठ के द्वारा तो सन 2010 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण तौर पर बैन कर दिया गया है। 2010 से हमारे जोशीमठ में 11-12 साल हो चुके हैं। कहीं पर दुकानों में हो, सरकारी प्रतिष्ठानों में कहीं पर भी आपको पन्नी पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए नहीं देखेंगे, ना ही मार्केट में कहीं पन्नी पॉलिथीन हमारे 10 साल से पूर्ण तौर बैन है, मार्केट में कहीं उपलब्ध नहीं है। और जिस तरह से आजकल सरकार के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी आइटम पर लगा हो उसको पूर्ण तौर बैन किया गया है। इसमें लगातार हमारे पालिका के सफाई कर्मचारी, सफाई सुपरवाइजर हैं, हमारे मार्केट इंस्पेक्टर हैं, हमारे अधिशासी अधिकारी हैं, लगातार मार्केट छापेमारी लगातार कर रहे हैं, किंतु छापेमारी के दौरान जोशीमठ में कहीं पर भी इस तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम नहीं पाए जा रहे हैं। और क्योंकि हम इसमें हमने पहले बैन लगाया हुआ है, उसके अतिरिक्त हम लगातार जन जागरूकता अभियान पूरे शहर जोशीमठ में चला रहे हैं, जिस कारण लोगों में इसमें जागरूकता आई है और लोग इनका प्रयोग करने से बच रहे हैं और हमारे कर्मचारी लगातार इसमें नजर रखे हुए हैं।